क्या आपकी भी फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं हो रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं हो रही है और इसे कैसे लॉगिन कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेसिकली हमने मोबाइल पर है और यहाँ पर देखिए हमने फेसबुक की जो आईडी है वो हमारी लॉगिन नहीं हो रही है। हमने एक ही अपने फेसबुक पर कई सारी मल्टीपल आईडी को हम रख सकते हैं, अगर चाहे तो उन्हें लॉग आउट भी कर सकते हैं या हम स्विच भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए मैंने अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ देखिए हम अपने थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने दूसरे अकाउंट में स्विच करना तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारे नीचे जितने भी अकाउंट होंगे देखिए लॉगिन अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे शो हो जाते हैं, या फिर हम यहाँ पर अपने आईडी पर क्लिक करेंगे यहाँ इस तरीके से आएंगे तो यहाँ से भी हम अपने देखिए अकाउंट को यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ सबसे नीचे आएंगे और यहाँ देखिए लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने यहाँ पर अकाउंट को लॉग इन किए हुए तो सारे के सारे एक जगह पर इस तरीके से आ जाते हैं और हम किसी दूसरे अकाउंट में भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी लॉग इन नहीं हो रही तो अभी ध्यान से देखिए आप लॉग इन कर पाएंगे। इसके देखिए मैं ये वाली आईडी को यहाँ पर मैं लॉग इन कर रहा हूँ लेकिन ये हमारी आईडी लॉग इन नहीं हो रही, इस तरीके देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने बार बार आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गुड्डू राठौर, यहाँ पर जो गुड्डू भाई लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पासवर्ड मुझे ध्यान भी नहीं है और मैं आईडी भी लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे देखिए एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का, अगर आप इस तरीके से नहीं आ रहे तो ये दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहां पर भी आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। चलिए एक देखिए यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए स्विच पर इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से लॉगिन अनदर पर क्लिक करेंगे और आपको जिस भी आईडी पर क्लिक कर रहे हैं तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर लेना है और अगर वो आईडी लॉगिन नहीं हो रही तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड रिसेट करने की जरूरत है। चलिए देखिए यहाँ पर नीचे वहां पर भी फॉरगेट पासवर्ड लिखा होगा और यहाँ पर भी लिखा है तो आप जैसे इस तरीके से प्ले करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए आपको, चलिए इसे मैं कट कर देता हूँ, जीमेल आईडी शो हो रही है। यहाँ पर देखिए आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, जिस भी मोबाइल नंबर से आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। देखिए अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे देखिए आपको लिखा है फाइंड योर अकाउंट, सिंपली आप वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए क्लिक करेंगे तो वो आईडी जो होगी वो यहाँ देखिए उस नंबर पे जो भी आईडी बनी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपकी जो आईडी होगी वो यहाँ देखिए आपको फाइंड कर दी जाएगी, आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर देखिए हमने जीमेल आईडी भी ऐड कर रखी है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर भी मैंने ऐड कर रखा है तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलते हैं कि आप यहाँ पर किस पर ओटीपी मतलब वेरिफिकेशन कोड मंगाना चाहते हैं, अपने जीमेल पर या फिर अपने फोन नंबर पर। तो ज्यादातर लोग जीमेल को ऐड नहीं रखते तो मैं चलिए यहाँ पर फोन नंबर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर जीमेल भी चूज कर सकते हैं अगर आपने जीमेल ऐड कर रखी है तो, या फिर फोन नंबर भी सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा। नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपका जो फोन नंबर होगा उस पर एक कोड भेजा जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जिसे आप ओटीपी भी कह सकते हैं, वो ओटीपी कोड डालेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपको नया पासवर्ड क्रिएट ए न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप अपना यहाँ पर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको अपना एक यहाँ पर नया पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद देखिए नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप जहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये आ जाएगा, आपको अपना पासवर्ड बताएगा कि आपका पासवर्ड, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इसे यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं, ओके करेंगे। सो अब हमारी जो आईडी है यहाँ पर अब हमें वो पासवर्ड डालने को बोल रही है तो चलिए हम वही पासवर्ड फिर से यहाँ पर दोबारा डाल देते हैं जो हमने अभी पासवर्ड आपके सामने बनाया था। देखिए मैंने वो पासवर्ड वहां पर जो बनाया था वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो आईडी है यहाँ पर देखिए अब दोबारा वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, जो आईडी हमारी लॉगिन नहीं हो रही थी तो अब उस पर देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी जो आईडी है लॉगिन हो चुकी है, देख सकते हैं यही फोटो था आपको देखने को मिल गया इस तरीके से। अब इस पर हम देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, चलिए हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं तो देखिए हमारी जो आईडी है यहाँ से लॉगिन हो चुकी है और इसे हम बहुत ही इजीली तरीके से अब हम लॉग आउट कर सकते हैं। बहुत ही स्टेप में देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम किसी दूसरे अकाउंट में भी स्विच कर जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा दूसरा अकाउंट है, हम यहाँ पर स्विच कर गए और अब बहुत ही इजीली स्टेप में हम वहीं से फिर से हम अपने इसी अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नीचे देखिए जो हमने लॉगिन अनदर पर क्लिक करेंगे, देखिए गुड्डू भाई वाली लॉगिन नहीं हो रही थी, बार बार पासवर्ड मांग रही थी, अभी देखिए वो भी आईडी यहाँ से लॉगिन हो जा रही है। सो इस तरीके से जब अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही इजीली स्टेप में यहाँ पर लॉगिन वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ऐसी आपको मिलती रहे लगातार इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।